हेलो दोस्तों, मेरे इस नए सेगमेंट और नए कोर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो गाइस, मैं इस वीडियो के साथ में नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग 200 200 मैं तीन मतलब ये 200-301 जिसका एग्जाम कोड रहेगा। और गाइस, ये वीडियो मेरा पूरा हिंदी में रिकॉर्ड करूँगा मैं, और आई होप कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस के थ्रू जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जस्ट बेसिक थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें इस कोर्स का इंट्रोडक्शन है और मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने करीब ऑलरेडी 300-400 वीडियोस अपलोड किए हैं CCNA इंग्लिश मीडियम में, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे, VMware, हाइपर वी, विंडोज सर्वर्स, एंटीवायरस, बहुत सारी चीज़ें हैं, अजूर वगैरह। तो जब मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो लोग मुझे बहुत सारी गाली देते हैं अभी भी मेरे वीडियोस पे, अनाप शनाप बोलते हैं, तो मुझे उन वो चीज़ें बुरी नहीं लगती। मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, क्योंकि हम जब कुछ नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो उतना पता नहीं होता कैसे करना है क्या नहीं करना। आई होप कि इस वर्जन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप गाली भी देंगे तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गाली देने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो कितना अपना टाइम देते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो सोच समझ के हम लोगों को अगर हमें अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम गाली तो ना दें। तो खैर, वो तो इंसान इंसान पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अब आगे की बातें बताता हूँ इसके बारे में। सो गाइस, बेसिकली CCNA में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो मैं जस्ट राउटिंग और स्विचिंग को ही कवर करूंगा थ्रू आउट दिस वीडियो, मतलब मेरे जितने भी कमिंग अप वीडियो आएंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो रहेगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि CCNA है क्या। तो बेसिकली CCNA का फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ओके, बेसिकली अगर हम IT में जा रहे हैं तो IT में क्या होता है, बहुत सारे फील्ड है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम अगर नेट CCNA कर रहे हैं तो वो है क्या, उससे होगा क्या, किस तरह की जॉब मिलती है, किस तरह की जॉब नहीं मिलती है, तो आसानी हो जाती है। तो अब इसमें देखिए, बेसिकली अगर आप और नेटवर्क का इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, तो अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आपको कंपनी चलाने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है, बगैर नेटवर्क के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं हो सकता बगैर नेटवर्किंग के, आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में कहीं पे भी, तो नेटवर्किंग एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम यही सब चीज़ें देखेंगे। अब देखिए, इसमें एक मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैं अपनी स्किल्स के बारे में मैंने कभी ज़्यादा आपको बताया नहीं है मेरे पिछले वीडियोज़ में जहाँ भी मैंने अपलोड किया, तो एक बार मैं आप लोगों को इसमें बता भी देता हूँ कि मैं CCNA सर्टिफाइड हूँ स्विच राउटिंग एंड स्विचिंग में। उसके बाद में मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, और उसके बाद में सॉल्यूशन एसोसिएट MCIT भी सर्टिफाइड हूँ। उसके बाद में पूरा विंडोज सर्वर में अगर बात करें तो विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिगेशन, एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फिगेशन एंड ट्रबल शूटिंग, अजूर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन, हाइपर वी, वीएमवेयर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, सेमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, सर्वर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फायरवॉल, सिस्को की फायरवॉल पे भी मैंने काम किए हैं, फोर्टीनेट पे भी काम किया है, सोनिक वॉल पे भी काम किया है, जहाँ जहाँ मेरे को जैसी अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, जितना मैंने इन सब चीज़ों पर काम किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ईमेल मैनेजमेंट, रेडिफ मेल पे हम कैसे ईमेल मैनेज करते हैं, पूरा रिस्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह लगाना, नेस, इसके अलावा और बहुत सारे टेलीफोनिक टेलीफोन कैसे मैनेज करना, वॉइस ओवर, तो बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें पता है। तो अगर मुझे हुआ तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरी कोर स्किल्स है, ये जितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, सर्वर 2008 हो, 12 हो, 16 हो, इवन 19 हो, मैंने कॉन्फ़िगर करके बहुत सारी चीज़ें अपलोड करी है। अब इसके बाद में मेरा अगर कैरियर पाथ देखे तो गाइज, मैंने 4-5 कंपनी के साथ काम किया है। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा जो एक यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट ही स्टार्ट किया था, ठीक है, डेस्कटॉप लेवल का काम। फिर उसके बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, वहाँ पे विंडोज
मैंने करीब 2 साल काम किया है, सवा 2 साल एज अ विंडो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद में मैंने एज अ सीनियर आईटी एग्जीक्यूटिव भी काम किया, फिर उसके बाद में सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अभी करंटली मैं 1 सवा साल से सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को सारा देखना पड़ता है, सारा काम। सर्वर विंडोज के सर्वर भी हैं, और लाइक टेलीफोन भी है। हमारा बिजनेस यूएसए से होता है और हम इंडिया से काम करते हैं, तो उसके लिए टेलीफोनिक सर्वर वहाँ पे पड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मुझे नेटवर्क भी देखना पड़ता है, सिक्योरिटी भी देखना पड़ता है, तो ओवरऑल काम देखता हूँ मैं वहाँ पे। इसके अलावा गाइज, ये मेरे कुछ आप लोगों के साथ में ग्लिम्पसेस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने सर्वर वगैरह नेटवर्क हमने डिज़ाइन किया था, और जहाँ जहाँ मैंने कुछ अपने लेके रखे हैं। उसके बाद में ऐसे हम खुद बना लेते थे, मतलब मैं और मिलके लोग, जो हमारी टीम थी, पूरा सर्वर रूम हम सेटअप कर लेते थे, कैसे केबलिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, राउटर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो ये छोटी छोटी ग्लिम्प्स है, मतलब फोटो लेकर रखा, ग्लिम्प्स कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरे को कुछ काम नहीं आता। कई लोगों ने मेरे को बहुत बुरा बोला, तो शायद उनको पता नहीं होता, इसलिए वो बकवास करते रहते हैं। तो इतना बुरा मैं कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो कभी आएंगे, उनको पता चले तो मालूम हो। तो गाइज, ये सारे नेटवर्क वगैरह सारा मैंने मैनेज किया हूँ, लाइव मैनेज किया हूँ, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। तो अब गाइज, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सीसीएनए ही होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या होता है, इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन फ्रॉम सिस्को सिस्टम्स। तो सिस्को एक इसका सर्टिफिकेशन कराता है, ठीक है? इसके एग्जाम देने पड़ते हैं, ऑनलाइन एग्जाम। और अगर आपको ज़्यादा कुछ सीखना होता है, तो आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.cisco.com/certifications पे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सर्टिफिकेशन के बारे में। अब तो ये बहुत सारा होने लग गया है, क्या कहते हैं, क्लाउड पे भी आ गया है। तो देखूंगा मैं, अगर मेरे से हुआ तो मैं वो सारी चीज़ें भी शेयर करूंगा आने वाले वक्त पे। और इसके बाद में अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सीसीएनए सीखना चाहते हैं, तो आपको जो लर्नर हैं, तो आपको थोड़ा बहुत क्या पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? बेसिक विंडोज और उसके नेविगेशन स्किल, थोड़ी विंडोज के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, बेसिक इंटरनेट यूसेज के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत ईमेल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हैं ये, अगर आपको इतना पता है तो आप आराम से सीसीएनए सीख सकते हैं, ठीक है? और मैं बड़े ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूंगा, कैसे, मतलब आप खुद अपने से बगैर कोई किसी की मदद लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग से कैसे नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी लैब है मेरे पास, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, वो सब कुछ शेयर करूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे, ये जो मेरा गोल है आप लोगों के साथ में ये वीडियोस बनाने का, वीडियो शेयर करने का, वो क्या है, टू प्रोवाइड यू विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू इंस्टॉल, ऑपरेट एंड ट्रबल शूट अ स्मॉल नेटवर्क। तो अगर आपको कहे कि भाई मेरे को 100 लोगों का नेटवर्क आप बना के दो, तो आप कैसे डिजाइन करेंगे, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कैसे कॉन्फिगर करते हैं, मेरा ये गोल है। तो आपको इंस्टॉल करते आना चाहिए, ऑपरेट करते आना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको ट्रबल शूट करते आना चाहिए। तो सारा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है ये सारी चीज़ें, तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम होता है। क्योंकि आज के टाइम में कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पैसे की कमी की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, या सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट पर नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा फीस मांगते हैं इंस्टीट्यूशन वाले। तो ऐसा, अगर मैं सारी वीडियो हिंदी में ही रिकॉर्ड करूंगा, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है, उर्दू में रिकॉर्ड करो, या इंग्लिश में रिकॉर्ड करो, हिंदी में करो, तो मेरे से जितना हो सका मैंने पहले किया है, बट अभी मैं ये सीसीएनए का ये जो सिलेबस है पूरा हिंदी में रिकॉर्ड करूंगा। और इसके बाद में देखिए, तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ अब यहाँ पे सिस्को कैरियर सर्टिफिकेशन कैसे होता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें, एक्सपेंड योर प्रोफेशनल ऑप्शंस, एडवांस योर कैरियर। तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आप देखें, तो बहुत सारी इधर इधर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 3 भाग दिख रहा है आपको, एक सीसीएनए और सीसीईएनटी होता है, ठीक है? तो ये होता है आपका डोर एंट्री लेवल है, ये एंट्री टेक्नीशियन। आप क्या कर रहे हैं, नेटवर्क के फील्ड में आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि विंडोज
बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, ये एसोसिएट लेवल होता है, उसके बाद में आता है सीसीएनपी। सीसीएनपी होता है प्रोफेशनल, ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। तो ये होता है सीसीएनए करने के बाद में ये सर्टिफिकेशन, इसके भी एग्जाम लिखने पड़ते हैं। फिर आ जाता है एक एक्सपर्ट लेवल का। तो तीन लेवल होते हैं, तो हम ये पहले एंट्री लेवल सीखेंगे, फिर उसके बाद में सीसीएनपी, फिर एक्सपर्ट लेवल का। तो ये तीन फेस होते हैं, एक के बाद एक आप इनको कर सकते हैं। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। आप डायरेक्टली सीसीएनपी के लिए नहीं जा सकते और सीसीआईई के लिए नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हम सीखेंगे सीसीएनए या फिर सीसीईएनटी, बेसिकली ये सीसीएनए, ठीक है। तो ये डिवाइडेड है दो पार्ट में, वो होता है क्या कहते हैं इसको, देखिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसको हम आईसीएनडी बोलते हैं, आईसीएनडी पार्ट वन और आईसीएनडी पार्ट टू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा और देखिए। सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन, तो ये दो पार्ट हुए हैं, ये दो पार्ट ही आप समझिए। अब ये कैसे, मैं वो भी बताता हूँ। तो दो पार्ट में ही इसको पढ़ाया जाता है। अब देखिए मेरे पास इसका सारा बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये आईसीएनडी वन दिख रहा होगा आपको और आईसीएनडी टू दिख रहा है, ठीक है, वर्जन 1.10 है ये। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर आपको दो चीजें और दिखेंगी, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो इसमें इनको भी एक एक करके पढ़ाया जाता है, पहले ये वॉल्यूम पढ़ाया जाता है, इसमें कितनी सारी चीजें हैं। तो ये मेरे पीडीएफ है, ये सिस्को के ही पीडीएफ है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं इसको वॉल्यूम 1 ओपन कर दिया, ऐसे ही अगर आप इसको देखेंगे आईसीएनडी 2 को, तो आईसीएनडी 2 में भी आपको दो वॉल्यूम मिलेंगे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। अब इसके अलावा और चीज आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर ये आईसीएनडी 1 पे जाते हैं तो मेरे पास इसके बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, मैं इनको अनजिप करूंगा, तो इन पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड मटेरियल रखा हुआ है, ये पीपीटीज है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं पूरा जैसा आपको दिख रहा है ये एक एक करके, एक एक वीडियो करके ये शेयर करूंगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आईसीएनडी 1 आईसीएनडी 2 करके। अब इसके अंदर आप अगर एक चीज और देखेंगे तो यहाँ पे आपको लैब मिलेगी, ठीक है, ये लैब है, ये लैब का कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा एक एक लैब करके हम समझेंगे सारी चीजें कैसी होती है, कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो गाइज यही इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर करी है, अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें। आपको कुछ डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, आप मेरे को कमेंट पे लिख के बताइए, मैं आपकी कन्फ्यूज़न ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको जो भी लगे कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वो भी कमेंट करें, तो उससे क्या होता है फिर से चीज़ों को सुधारने का हमको मौका मिलता है कि हमको चीज़ें ठीक करनी चाहिए करके। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करें, उससे हमको मनोबल मिलता है थोड़ा सा और अच्छा काम करने के लिए। तो गाइज थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा चैनल का URL यहाँ पे होता है, इस तरीके से भी आप अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं अगले वीडियो में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा CCNA का, थोड़ा सिलेबस आपको बताऊँगा कितना है क्या है, और हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीज़ें। और टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।